हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोपहर का वक्त है और अभी NH30 बख्तियारपुर पटना हाईवे पे है। अभी हम लोग जा रहे हैं पटना की ओर। जो भी हमारे भाई जिनको ओवरटेकिंग का पूछना था, जो पूछते हैं ओवरटेक कैसे करें और लेन कैसे चेंज करके चले, तो अभी बहुत सही मौका मिला तो सोचे एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। होप आप लोगों को ये काम आने वाला हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रॉपर तरीका ओवरटेक करने का और किस साइड से ओवरटेक करना चाहिए और क्या तरीका होता है ओवरटेक करने का, वो अभी हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप जब भी ओवरटेक करते हो हमेशा अपने राइट साइड से करें, लेफ्ट से अपना ओवरटेक कभी ना करें। उसमें क्या होता है कि कार कब अपना लेफ्ट दबा ले कोई ठीक नहीं है, उसमें एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो जब भी आप जैसे ओवरटेक करो तो एक बार आप हॉर्न मारो या डिपर दे दो। ज़्यादातर आप डिपर यूज़ कर सकते हो जब भी आप ओवरटेक कर रहे हो, तो हमेशा डिपर दे दिया करो। उससे होता क्या है कि ड्राइवर को पता चल जाता है कि पीछे से कार आ रहा है, अटेंटिव हो जाता है और पास दे देता है। आप जैसे देख सकते हो पीछे से एक फॉर्चुनर आ रहा है और डिपर दो बार दे चुका है और अब अपना निकल गया, ओवरटेक कर लिया। तरीका ये है। और हमेशा ज़्यादा क्लोज कॉल करके ओवरटेक ना करें। मतलब आपको जब लग रहा है कि सामने से भी गाड़ी आ रहा है और बहुत कम डिस्टेंस बचा है, तो वैसे में ओवरटेक ना करें, उसमें बहुत रिस्क होता है। ओवरटेक उसी जगह पे करें जहाँ पे आपको लेन मिला हो। जैसे यहाँ पे दो लेन है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट साइड का जो लेन है उसमें ओवरटेक लोग करते हैं, और नॉर्मल अगर आपको चलना है तो आप लेफ्ट से जा सकते हो। दूसरा पॉइंट का बात करें, जब भी आप ओवरटेक करो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने लेफ्ट और राइट का IRVM ORVM दोनों में देख लें कि आपके आसपास कोई कार ना हो पीछे से। होता है क्या, अगर आप ओवरटेक कर रहे हो और आपके बगल में कोई कार रहता है तो चांसेस होता है कि वो दोनों टकरा ना जाए या एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सब चीज़ का ध्यान ज़रूरी है, ज़रूर ध्यान दें ये सब चीज़ का। ओवरटेक भी उसी जगह पर करें जहाँ पर आपको लगता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे डिपर मार रहे हैं, दो बार मार रहे हैं डिपर, ये पास देगा नहीं देगा, आगे अभी गाड़ी है। बट अब देखिए, अब ये पास दे दिया, जैसे ही हम डिपर मारे पास दे दिया। तो ये आप देख सकते हो, सामने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि डिपर मारने पे पास कैसे मिलता है। अननेसेसरी हॉर्न ना मारे, डिपर से जब काम हो जा रहा है आपका तो डिपर से ही यूज़ करें। और ऐसा कोई ऐसा पॉइंट अभी हमको लगता नहीं है जो ओवरटेकिंग में ध्यान देना चाहिए। हाँ, अटेंटिव रहें जब भी आप गाड़ी चलाएं, तो आपका ध्यान रोड पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर के बात में रह जाएं, उसमें दुर्घटना घट सकता है। और ओवरटेक करने टाइम हमेशा अपने लेफ्ट राइट और IRVM में ध्यान ज़रूर दें, और आगे का तो ध्यान आपको देना ही है। बाकी ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो आप बहुत प्रॉपरली ओवरटेक कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर आपको पता कि और किस तरीके से आप ओवरटेक कर सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, और हमको ज़रूर बता सकते हो कि क्या क्या तरीका और है ओवरटेक करने का। मोस्टली जो भी अगर पीछे से कार ओवरटेक करती है, लोग यहाँ पे IRVM में ORVM में देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पास दे देते हैं, भाई साइड पकड़ लेते हैं कि भाई जाने दो। तो वही चीज़ आपको करना है, जब आप ओवरटेक करते हो तो आपको डिपर देना है और एक डिस्टेंस मेंटेन करके ओवरटेक करना है। खासकर ट्रक से जब आप ओवरटेक करते हो तो आप ध्यान दें कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही ओवरटेक करें, क्योंकि कार का बैक पोर्शन ट्रक से टच हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा मेन पॉइंट है जो आपको हम बता रहे हैं, ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम में आया होगा। और अगर काम में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।